ये मदरबोर्ड आया है मेरे पास, एसर का लैपटॉप है, एसर एस्पायर 5750। तो पार्टी ने पहले दिखा रखा है कहीं भी है, इसमें किया हुआ है ये प्राइमरी मॉसफेट है, ये निकला पड़ा है इसमें से, निकाल रखा है बंदे, निकाल के अपने पास रख लिया है जी जो भी। और ये आईसी 3500 इस आईसी को इसमें चेंज किया हुआ है, यहाँ से ये चीज़ें हैं, बाकी और चेक करना पड़ेगा चेंज तो नहीं किया हुआ, ज़्यादा मत बचाने की भी। और यहाँ पे भी जो 3500 IC लगी है ना रैम की, रैम है इसकी बैक साइड से मॉस्फेट निकाल रखी है, यहाँ से मॉस्फेट का कैपेसिटर निकाल रखी है, यहाँ से तो यहाँ से कुछ भी किया हुआ है कैपेसिटर निकाल रखी है, यहाँ से हमारे को चेक करना पड़ेगा डाटा शीट की। यहाँ पे प्राइमरी मॉस्फेट कौन सा, ये जो मॉस्फेट लगा हुआ है ये लगा हुआ है इसमें 4407A, 4407 लगा हुआ, तो पिछले 4407 ही लगा हुआ, बाकी हम लोग डाटा शीट चेक कर लेते हैं, डाटा शीट चेक कर लेते हैं, डाटा शीट की इसकी रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं, FPQ7 4407 और 4407 इन दोनों को कर दें। उसके लिए हमारे को करना पड़ेगा 4407 लेना पड़ेगा, वाली 07 वाली 07 लेना पड़ेगा, इसका लगा के फिर चेक करके फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वाले 07 प्राइमरी मॉस्फेट सेकेंडरी मॉस्फेट ठीक है, इसके पास शूटिंग फिटिंग भी नहीं है। पावर लगानी पड़ेगी और मशीन को लो वोल्टेज करनी पड़ेगी, 0 वोल्टेज करनी पड़ेगी, और ऑन करेंगे आस्ते-आस्ते वोल्टेज बढ़ा के देखना पड़ेगा, वोल्टेज ले रहा ले रहा ले रहा ले रहा ले रहा, नहीं 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 लास्ट में वोल्टेज जब 19 वोल्ट पे जाता है उस टाइम शोर दिखा देता है, तो आई थिंक ये मॉस्फेट दोबारा उठ गया। लास्ट में जब 19 वोल्ट 18.5 से ऊपर जैसे ही छूटी मशीन तो शॉर्ट हो गया, दिखाने लग गया कि शॉर्टिंग है, एयर फुल हो गए थे ऑटोमेटिकली, ये मॉस्फेट उड़ गया खराब हो गया मॉस्फेट, इसका मतलब ये है कि बोर्ड में कहीं और भी खराब है। इसलिए फर्स्ट ऑफ कोई भी बोर्ड ले लेंगे एक बोर्ड ले लें, पहले तो ये वाले कैपेसिटर इसके पूरे करेंगे, तो पुराना बोर्ड ले लीजिए तो उसमें ध्यान रखते हैं 19 वोल्ट की लाइन की जो कैपेसिटर है,
को पूरा कर देते हैं। अगर सीपी जो लगा होता है तो सीपी सेक्शन में बोल दिखाएगा, लो दिखा देगा। अगर हम रेटिंग पे चेक करेंगे तो बिल्कुल लो देगा। यानी ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी 10 दिखा रहा है, जो अपना मॉस्फेट शॉर्ट हुआ था ना उसकी जो वैल्यू बनी थी वो सेम वैल्यू बनी थी। शॉर्टिंग के लिए ध्यान से केयरफुली देखोगे आप तो कोई कोई पी एफ वगैरह शॉर्ट मिलेगा। अगर केयरफुली चेक करोगे ये हो सकता है मॉस्फेट शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। पहले वो लोग कैपेसिटी चेक कर लेते हैं, ज़्यादातर कैपेसिटी शॉर्ट होते हैं। तो 3-5 आई सी है लगा हुआ है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लीक हो चुका है पूरा। खींच के फोटो के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये कैपेसिटर पूरा पूरा शो। इसके बाद फोटो क्लिक कर लेते तो ये कैपेसिटर यहाँ पे दो लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर तो फूटा ही पड़ा है ऊपर से लास्ट हो गया, तो ये 10 दिखा रहा है, ये 10 दिखा रहा है। तो यानी पहले हम लोग इसी कैपेसिटर को निकाल के देखेंगे, तो ये बंदे निकाले नहीं अभी तक, कैपेसिटर को हाथ भी नहीं लगा जैसे थे वैसे लगे। मेरे को डाउट इसी कैपेसिटर ये बर्न होकर ड्रॉ टूट चुका ऊपर से। ये 10 दिखा रहा है, पहले हीट था और हीट से वैल्यू चेंज हो गई, ये 10 दिखा रहा है, यानी ये तो शॉर्ट है। उसके बाद एक फिर शूटिंग चेक, मैंने शूटिंग मारनी थी। आप 4407 ऐसे लगाना पड़ेगा, एक स्कैनर जो कैपेसिटर निकाला था हमने
वही तो बेस्ट है। शूटिंग कुछ नहीं है, सारा कुछ से एवरीथिंग ओके। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं पहले वोल्ट, वोल्ट आने के लिए उसके बाद में फिर चेक करेंगे इसको। कौन सा एसी कंफर्म कर लेते हैं। 3 वोल्ट आ रही है, 3-5 IC ओके। तो आयो लगी इस पे 3-5 वोल्टेज बनेगी। इसलिए बार ऑन करके देखते हैं फर्स्ट की कंपनी इसकी ऑन हो गई। सेकंड ऑन हो गया मदरबोर्ड, ऑन हो गया। ऑन होने पे एम्पियर उठा रहा है, वो फिर से वो बंद हो रहा है। तो प्रोसेसर लगाया नहीं हमने, तो प्रोसेसर लगाएंगे बोर्ड निकाल के, तो बोर्ड निकाल के फिर प्रोसेसर वापस लगाएंगे इसको। किया था 64 यानी रैम रीड करने की कोशिश कर रहा है, रैम इसको मिल नहीं रही। तो उसके बाद फिर रैम लगा देते हैं अपने। रैम लगाई 3 वोल्ट करते हैं मदरबोर्ड को। 76-72 टर्न ऑफ रिस्टार्ट हुआ, यानी इसमें डिस्प्ले ओके हो गया, डिस्प्ले आ गया होगा। अब एक बार स्क्रीन लगा के इसके डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। तो यानी बंदे ने पहले दिखाया होगा इसकी बॉडी वगैरह टूटी पड़ी, तो फर्स्ट और डिस्प्ले एक बार देख लेते हैं क्या है, डिस्प्ले में कुछ है या नहीं।
पावर सप्लाई को डिस्प्ले आज को हमारा, उसके बाद में ये खराबी थी बैटरी सेक्शन में, इसका मतलब इसकी एक बार पुरानी बैटरी लगा कर हम लोग चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि बैटरी सही है या खराब है। बैटरी को लगा दिया गया, बैटरी चार्जिंग इंडिकेशन रहता है, और एम्पीयर दिखा रहा ही नहीं, यानी क्योंकि बैटरी इसकी पूरी पूरी डेड हो, यानी चार्जिंग उठा ली है। बैटरी एक बार निकाल देता हूँ मैं, बैटरी निकाल देता हूँ तो यानी बैटरी चार्जिंग उठाने लग गया, बाकी इसको प्रॉपर पूरा पैक करके फिर चेक करके फिर देखा जाए। यानी लैपटॉप रेडी है, 3-5 IC इसकी ओके थी IC, बंदे ने वैसे ही पंगे लिए, सिर्फ ख़राब था इसका यहाँ से, और प्राइमरी मॉस्फेट निकाल दिया उसने, और यहाँ से जो कैपेसिटी निकाल दी थी